नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनु जी आरती में। दोस्तों आज जो है, आज इस विषय के ऊपर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये आप लोगों का रिक्वेस्ट तो कई बार आया है और मैंने आप लोगों को इसके बारे में आरती का हमारा जो प्लेलिस्ट है पूरा धूप दीप आरती कह के, उसमें मैंने इस बारे में चर्चा भी की है। पर क्योंकि इसी लेकर मुझे लगा कि एक संक्षिप्त वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, क्योंकि आप लोग कई बार मुझे कहते हैं कि दादा ये शास्त्र में जो वर्णन है आरती का, यानी कि आरती करने की जो पद्धति है कि पैर में कितने बार घुमाना है, मुखमंडल में कितने बार घुमाना है, सर्वगात्र में कितने बार घुमाना है, तो इसके ऊपर जो है एक आप वीडियो बना दीजिए पूरा जो है दिखा कर कि किस तरीके से हम घुमाएं। तो यहाँ पर मैं वही जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और धूप दीप मैं यहाँ पर प्रज्वलन नहीं कर रहा हूँ, धूप दीप पात्र से ही आप लोगों को समझा दूंगा दोस्तों। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितनी बार जो है आप लोगों को ये आरती जो है, मतलब कितने बार जो है हर वस्तु को लेकर जो है, जैसे धूप को लेकर, दीप को लेकर, दूसरे दूसरे जो भी सारे आरती के वस्तु है उसे लेकर कितने बार आपको घुमाना है और किस प्रकार से। तो ये बताने से पहले मैं आप लोगों को एक विषय बता देता हूँ, वो ये है कि पहले पहले आप इसे करने जाएंगे तो आपसे ये ना भी हो सकता है। मतलब ये पूरी तरीके से पैर में इतने बार, नाभि देश में इतने बार, मुखमंडल में इतने बार, सर्वगात्र में इतने बार, ये आप लोगों के हिसाब से बिल्कुल ना भी हो सकते कि इतने इतने बार ही घुमाना है। तो जितना आपसे हो पाता है उतना आप करिएगा और बस जो है कम से कम 10 बार या फिर 16 बार जो है, 16 बार अगर आप करते हैं, 10 बार या 16 बार जो है अगर आप आरती पूर्ण घुमाते हैं तो आपके आरती जो है वो पूर्ण होता है। तो कभी भी घबरा कर ये छोड़ मत दीजिएगा कि हमसे नहीं हो पा रहा है गिनती जो है, पैर में कितने बार घुमाना है, नाभि देश में कितने बार घुमाना है, मुखमंडल में, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपसे हो पाता है उतना ही आप करिएगा और 10 बार या 16 बार जो है आप भगवान के पूर्ण आवर्तन करते हुए जो है आरती करिएगा दोस्तों। पहले पहले ये नहीं होता है, ये अभ्यास के माध्यम से ही होता है। इसलिए जो भी मुझे कहता है, मैं सभी को ये सारी विधि जो है नहीं बताता हूँ दोस्तों कि कितने बार घुमाना। मैं सभी को, ज़्यादातर आप देखिएगा, मैं कहता हूँ कि आप जो है 7 बार 10 बार या 16 बार पूर्ण घुमाते हुए जो है आप आरती करिए। मैं बहुत कम लोगों को, जो लोग मुझे मेल करते हैं या फिर जो लोग कमेंट्स में भी मुझसे पूछते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ। क्योंकि ये सारे विषय जो है, पहली बात जो है, जब आप सीख रहे हैं पूजा पद्धति बहुत जो है एकाग्रता से, तभी ये सारी चीज़ें संभव है। पहली बात, रोज़ के हमारे जो है सांसारिक जीवन में बहुत सारे काम आदि करते हुए जो है ये सारी चीज़ें हर समय संभव नहीं भी हो सकता है। पर हाँ, अगर आप अभ्यास करते जाते हैं तो आपसे ज़रूर हो पाएगा। तो ध्यान इतना रखिएगा कि अगर आप ये कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की ये इच्छा होती है जानने की, देखने की, तो इसलिए मैं बता जो है कुछ चीज़ें तो मैं सच में जो है अपलोड नहीं करता हूँ, पर कुछ चीज़ें लगता है कि नहीं मैं बता देता हूँ। अगर कोई अभ्यास के माध्यम से कर पाता है तो सही है। तो आप अगर इस अभ्यास के माध्यम से कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, पर पहले पहले आप जो है जितने बार आपसे घुमाना हो पाएगा आप घुमाइएगा और 7 बार 10 बार या 16 बार जो है कम से कम पूर्ण आप आवर्तन करिएगा आरती, उससे ही आपकी आरती जो है वो पूर्ण हो जाएगा। कभी भी हम गिनती से नहीं हो पा रहा है हमसे, तो आप जो है उसमें आप हड़बड़ा मत जाइएगा, 7 बार 10 बार या 16 बार जो है घुमाइएगा। जितना आपसे हो पाता है उतना करने के बाद आप 7 बार 10 बार या 16 बार घुमाकर जो है आरती आप पूर्ण करिएगा दोस्तों। तो शास्त्र में जैसे कि कहा गया है, अदौ चतुष्पाद लयिक देशे दौ नाभि देशे मुखमंडले त्रीन सर्वेषु गात्रेषु च सप्तवारानात्रिकं तन्मुयन वदन्ति। अर्थात जो है देवता के पैर में जो है 4 बार, नाभि देश में जो है 2 बार, मुखमंडल में जो है 3 बार और सर्वगात्र में जो है 7 बार जो है आरती घुमाना चाहिए। यानी कि अगर हम धूप पात्र लेते हैं, मान लीजिए ये हम धूप पात्र ले रहे हैं, तो सर्वप्रथम जो है आरती जब हम ले रहे हैं, आरती उठाने के बाद जो है
पैर में इस प्रकार से जो है हमें चार बार घुमाना है। उसके बाद नाभि देश में जो है दो बार घुमाना है। उसके बाद मुखमंडल में जो है तीन बार घुमाना है। और उसके बाद सात बार जो है सर्वगात्र में घुमाना है। दोस्तों सात बार सर्वगात्र में घुमाना है। तो अदौ चतुष्पादलैक देशे दौ नाभिदेशे मुखमंडले त्रीन सर्वेषु गात्रेषु च सप्तवारणात्रिकं तन्मुयन वदन्ति। अर्थात जो है पैर में इस प्रकार से चार बार आपको घुमाना है, नाभिदेश में दो बार घुमाना है, मुखमंडल में तीन बार घुमाना है और सर्वगात्र में जो है आपको सात बार इस प्रकार से घुमाना है। तो ये करते हुए जो है आपका आरती जो है ये पूर्ण होता है। यानी कि पैर में जो है चार बार, नाभि देश में दो बार, मुखमंडल में तीन बार और सर्वगात्र में जो है आपको सात बार जो है आरती करना होता है। आरती के जो भी आप धूप से कर रहे, अब मैं ये धूप से कर रहा हूँ तो धूप से इस प्रकार से कर लेना होता है। इसके बाद धूप रखते हुए बिल्कुल एक ही विधि से ही जो है जब हम दीप से भी कर रहे हैं तो दीप से भी पैर में जो है चार बार, नाभि देश में जो है दो बार, मुखमंडल में तीन बार और सर्वगात्र में सात बार जो है हमें दीपक घुमाना होता है। इस प्रकार से जो है हमारे आरती जो है वो पूर्ण होता है। अगर आप जो है इस विधि से करना चाहते, यानी कि पैर में चार बार, नाभि देश में दो बार, मुखमंडल में तीन बार और सर्वगात्र में सात बार, इस प्रकार से अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है आप इस विधि से आपको करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो मैंने पहले बताया कि मान लीजिए आपने तीन बार जो है पैर में घुमाया, उसके बाद आप भूल गए कि नाभि देश में और मुखमंडल में कितने बार घुमाना है, तो उस समय घबराइएगा मत दोस्तों। आप सर्वगात्र में जो है सात बार कम से कम जो है इस प्रकार से घुमा दीजिए, सात बार घुमा दीजिए, या फिर जो है दस बार जो है आरती पात्र को इस प्रकार से घुमा दीजिए। तो इससे ही आपका जो है आरती पूर्ण हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि पैर में वो तीन बार घुमाने के बाद या नाभि देश में दो बार घुमाने के बाद वो भूल जाते हैं कि उसके बाद क्या करना है। तो पैर में तीन बार तो उन्होंने घुमा लिया इस प्रकार से, उसके बाद भूल जाते हैं गिनती कि नाभि देश में मुखमंडल में कितने बार घुमाना होगा। तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सर्वगात्र में सात बार आप घुमाइए या फिर जो है टोटल दस बार या सोलह बार जो है इस प्रकार से आप जो है घुमाइए दोस्तों आरती पात्र जो है। तो इससे ही आपका आरती जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो मूल रूप से आपको अगर आप शास्त्र विधि मानकर कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको पैर में चार बार करना होगा, मुख नाभि देश में जो है आपको दो बार करना होगा, मुखमंडल में तीन बार करना होगा और सर्वगात्र में जो है सात बार जो है धूप दीप आदि जो है घुमाते हुए यानी कि आवर्तन करते हुए जो है आपको आरती करना होगा। हर जो है आरती के वस्तु से, धूप से करें, दीप से करें, आप जल पूर्ण शंख से कर रहे, किसी से भी आप कर रहे हैं, उसमें जो है यही नियम जो है पालन करना होता है दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है और इसे लेकर मुझे लगता है कोई कन्फ्यूशन नहीं है आप लोगों के मन में शायद, क्योंकि मैंने ये समझा ही दिया है पूरी तरीके से। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ लगता है इसमें तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।